नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो SSC CHSL का आंसर की आप सभी को होता है आ गया है। अगर आप में से अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं निकाले हैं तो फिर से उनको बता देना चाहूंगा कि भैया वो जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको आंसर की का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर की पे जो है लॉग इन करके जो है आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर किस बारे में बात करने वाले हैं, जो और चीजें हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आंसर की का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, लॉग इन करके आप आंसर की जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये थे कि भाई एक हफ्ते के अंदर आंसर किया आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, तो उसके लिए आप लोग पेटिशन डाल सकते हैं। उसके लिए आपको पता है पर क्वेश्चन 100 रुपए लग रहे हैं, उसके प्रोसेस आपको लॉग इन करने के बाद ऑप्शन आता है उसके लिए, तो आप वो कर सकते हो। और उसके ऊपर भी आगे वीडियो आएंगे कौन कौन से क्वेश्चन में जो है डाउट हो रहा है, वो उसके ऊपर भी जो है वीडियो में लेकर के आऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेफ स्कोर के बारे में। बहुत सारे लोग यहाँ पर बार बार कमेंट, सर मेरा इतना नंबर आ गया तो कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो मैं लास्ट ईयर के लास्ट तीन साल के जो CHSL की वैकेंसी आई थी, वो कितनी वैकेंसी आई थी उसके ऊपर एक जो है यहाँ पर एक आंकड़ा आपको दिखाने वाला हूँ, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका एक टेंटेटिव आपका सेफ स्कोर होने वाला है, इसके आसपास ही जो आपका रहने वाला है, क्योंकि अभी आपका देखिए नॉलेशन होगा, इतने 36 शिफ्ट में पेपर आपके हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है नॉलेशन होंगे, जो आपके नंबर आए हैं आगे पीछे होंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए अभी कौन से शिफ्ट के पेपर टफ थे, कौन से शिफ्ट के पेपर इजी थे, इन सब के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए, देखो 2023 में जो आपका CHSL का फॉर्म भरा गया था, ठीक है, यहाँ पर 1762 पोस्ट आई थी, जहां पर आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है जनरल वालों का 153 गया था। ठीक है, ओबीसी का देखो, मैंने आपको हमेशा बताया था जनरल ओबीसी का जो कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, ओबीसी का 152 गया था। और यहां पर कैंडिडेट कितने थे, यहां पर आपको ये भी देखने को मिल रहे होंगे, यहां पर पोस्ट कम था, इस वजह से यहां पर कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं भैया, अब यहां पर ध्यान देखो भाई, 3200 पोस्टें यहां पर थी, क्या बोलते हैं 2022-23 में, लेकिन यहां पर कैंडिडेट जो है थोड़ा सा ज्यादा थे, और इस बार जो है थोड़ा सा कंपटीशन भी टफ हुआ था, और देख पा रहे होंगे 157 नंबर, 153 नंबर ओबीसी का और जनरल का जो कट ऑफ देखने को मिला था। अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2021-22 में जो आपका फॉर्म आया था उसमें 6072 पोस्टें आई थी, और जहां पर आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था 140 गया था, यानी कि हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका जो कट ऑफ है। ठीक है, और इस बार आपकी जो पोस्ट आई थी 3212 पोस्ट आई थी। ठीक है, 2024 की अगर हम बात करते हैं 3212 पोस्टें आई थी, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं भैया, जो 2024 में पोस्टें आई थी आपकी वो आई थी भैया यहाँ पर 3712, माफ कीजिएगा थोड़ा सा क्लियर था, 3712 पोस्टें आई थी। ठीक है, 3712 पोस्टें आई थी, तो इसके हिसाब से जो आप लोग के अभी तक मेरे पास कॉमेंट भी आ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ हूँ। ठीक है, आगे SSC कोई भी तैयारी कर रहे हो, MTS का क्लासेस जो चल रहा है, CGL की भी क्लासेस चलेंगी, तो अगर आप SSC की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो वो ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो है आपको आगे ग्रुप में भी मैं आपको इस तरीके के जो अपडेट देता रहूंगा। तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर मैं एक अपडेट जो है टेंटेटिव बता रहा हूँ, जो कि एक कई सारे स्टूडेंट का जो है डाटा निकला हुआ है वहां से आ रहा है भैया, जनरल का जो है 148 से 150 प्लस मान के चलिए, इतना अगर आपका नंबर आ रहा तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने ओबीसी बताया था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, अगर जनरल का 148 150 155 जाएगा तो ओबीसी का उसी के आसपास रहने वाला है। AWS थोड़ा सा कम होता है, 142 146 मान सकते हैं, SC ST का 130 मानिए, और नीचे कैटेगरी में आते हैं तो नंबर और जो है कम होता जाएगा। तो ये एक टेंटेटिव सेफ स्कोर है, इसके हिसाब से आप मान सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा फोकस किस पे करना है कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हैं कौन से गलत हैं उनके ऊपर फोकस करना है, तो आपको पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहां पर इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस ला करके देता रहूंगा, जो क्वेश्चन गलत होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पैसा लगा सकते हैं, उसमें 100 रुपए का एक क्वेश्चन पे होता है, वो सब आपको जो यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन एक काम पहले कर लो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ पास शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी जो है कॉमेंट बॉक्स में कम से कम बता सकें उनका नंबर जो है कितना आ रहा है, जिससे एक और डाटा निकल करके आएगा। मैं एक जो है पोस्ट भी डालने वाला हूं, जहां पर पूरा क्या बोलते हैं क्या पोल भी रहेगा, जहां पर आप बता सकते हैं आपका नंबर किससे बीच वेरी कर रहा है, या गूगल फॉर्म में भरवा दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को जो है धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।